जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या व्यू था अपना निफ्टी की एक्सपायरी के लिए, किस तरीके से निफ्टी जो है अभी भी आईटी सेक्टर की वजह से होल्ड आउट करता हुआ दिखा रहा है, बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में जो मेहम है वो कंटिन्यू अभी भी बना हुआ है। बैंक निफ्टी एक काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ आ रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। फाइनेंशियल निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रांगली पिछले 2-3 दिनों में जो है वो नीचे आया है। तो क्या कल एक बाउंस बैक का दिन हो सकता है? क्या ग्लोबल की उस कुछ बेहतर हो सकते हैं? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, क्योंकि सारा अभी जो है वो ग्लोबल और फॉरेन मार्केट्स के ऊपर और फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की बनी हुई है उसके ऊपर ही चल रहा है। आई थिंक लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर आज के मार्केट में एक चीज़ रही कि आईटी ने जितना अच्छे तरीके से आज होल्ड आउट किया। आई थिंक लोअर लेवल से अगर आप देखो तो लगभग 1.5% का अपमूव जो है हमें आईटी सेक्टर में आता हुआ दिखाई दिया और बहुत अच्छा आउट परफॉर्म जो है वो आईटी हैवी वेट्स जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस वजह से निफ्टी जो है आपको थोड़ा स्टेबल दिखाई देगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, वरना निफ्टी में भी आज लगभग 200 पॉइंट का कट या 250 पॉइंट का कट आराम से आ सकता था। तो कूडोस टू आईटी जिसने मार्केट को होल्ड करके रखा और बाज़ार जो है वो एक रेंज में रहा, बट बैंक निफ्टी के पास ऐसा कोई सपोर्ट था नहीं। बैंक निफ्टी ने जैसे ही 45,000 का लेवल तोड़ा, उसके बाद एक बहुत प्यारा डाउनसाइड का मोमेंटम हमें मिला बैंक निफ्टी में प्ले करने के लिए। निफ्टी फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लेवल है इसके ऊपर जो है इसके नीचे जो है क्लोजिंग दे दी है, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और सेंसेक्स एक्सपायरी पर हमें कैसे प्ले करना है इसके बारे भी हम लोग देखेंगे। एक चीज़ जो बुल्स के फेवर में थोड़ा दिखी है आखिरी के अगर हम कुछ घंटों की बात करें कि डाओ फ्यूचर्स गिरने के बावजूद जो है बाज़ार जो है हमारे गिरे नहीं। वन ऑफ द रीज़न, एक तो इंडिया विक्स जो है वो 11 के नीचे आ गया, 10.5 के आसपास है आज। 3% का कट इंडिया विक्स में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए और पुट कॉल रेशियो भी काफ़ी ओवर सोल्ड हो गया था, इस वजह से लोअर लेवल से मार्केट में काफ़ी बाउंसेस वगैरह आ रहे थे। आज मैं क्षमा चाहूँगा, टेलीग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, कोई लेवल्स वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया, बट डोंट वरी, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स वगैरह होते हैं जैसे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होते हैं कोई निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ग्लोबली बात कर लेते हैं क्या हुआ कल। जेरोम पॉवेल साहब ने जो है वो एक हॉकिश पॉज लिया। हम लोग क्या डिस्कस करके गए थे कि उनके पास अच्छा करने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। पॉज करके वो ये नहीं बोल सकते भाई वन एंड डन हो गया अपना, ठीक है, पिछली बार जो अपना ने रेट हाइक किया था वो हो चुका है, अब कोई डरने की बात नहीं है अपने को, अब इन्फ्लेशन जो है वो नीचे जाएगा, ऐसा वो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? सबसे पहले क्रूड ऑयल $100 के आसपास जो है वो जा रहा है, 95 के आसपास जो है वो क्रूड ऑयल चल रहा है। दूसरा, उनकी जो डॉलर इंडेक्स है जो 105.5 का ब्रेकआउट जो है हमने लास्ट वीक वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक खतरा जो बाज़ार पे बना हुआ है वो बना हुआ है डॉलर इंडेक्स का और क्रूड ऑयल का। जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी उन लोगों को उस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिला होगा और अच्छा खासा करेक्शन अगर हम देखें इस वीक में हमें देखने को ऑलरेडी मिला है। अब कल फेड ने क्या बोला? फेड ने ये बोला कि रेट हाइक तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने रेट हाइक करेंगे, एक रेट हाइक करेंगे जो अभी सिचुएशन है उस हिसाब से, बट हम जो रेट हैं उनको हायर रखेंगे लॉन्गर टाइम तक। ऐसा क्यों चीज़ निकल के आई? क्योंकि जो फेड का डॉट प्लॉट होता है उसमें लास्ट फेड मीटिंग में 4.6% जो है वो मीडियन रेट था, जो फेड का फंड रेट है वो दिखा रहा हुआ था, अब वो बढ़ के 5.1 आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का जो फेड फंड्स रेट है वो 5.1 आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो रेट कट्स हमें मार्च की या फेब की मीटिंग से दिखना शुरू हो सकते थे
कल की मीटिंग के बाद वो रेट कट्स जो हैं वो अब सितंबर मीटिंग, मतलब सितंबर 2024 की मीटिंग से स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो ये मार्केट को डेफिनेटली पसंद नहीं आया, और ये एक आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ निकल के आई कि भाई अभी तक तो मार्केट नेक्स्ट ईयर रेट कट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे अर्ली, इस चीज़ को ही जो है वो प्ले आउट कर रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को एक देखने को मिली। तो इस वजह से जो है चीज़ें खराब हुई अमेरिकी बाजारों में। आईटी अमेरिका में क्यों गिरा? क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ा, साथ ही में बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो 23 साल की ऊंचाई पे पहुंच गई। जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स है वो 23 साल की ऊंचाई पे जो है वो पहुंच गई हैं, और इस वजह से आईटी के ऊपर जो है वो डेफिनेटली एक बड़ा प्रेशर जो है वो बन के आया है। हमारे आईटी ने आज सपोर्ट किया, देखते हैं कितने दिन तक और सपोर्ट करता है। अब कल हम चार्ट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि अब इम्पोर्टेंट हो गया है चीज़ों को थोड़ा समझना। ठीक है, हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। अगर हम देखें मार्केट इस वक्त गैप डाउन करता है और उसके बाद लगभग डेज लो के आसपास जाके बंद होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे बंद होता है, बट फिर भी अगर हम देखें तो लोज के आसपास जो है वो बंद होता है। अब आपको हमें क्या एसेस करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अब यहाँ पे बाजार के कौन से बनते हुए आ रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए था वो हमारा R2 था, 20,000 का लेवल। बाजार ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कल के दिन। आज जो है बाजार ने 21 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया है। तो 21 मूविंग एवरेज अपना क्या है? 21 मूविंग एवरेज है अपना 19,786। ये लेवल आपको नोट कर लेना है। डाउनसाइड का लेवल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं तो डाउनसाइड का एक लेवल जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारा 19,690 का। तो ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस मार्केट को रिकवरी देनी है तो 19,786 के ऊपर जो है या तो निकलना पड़ेगा या गैप अप होके हो जाए, इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, देन हमें एक अपसाइड का मोमेंटम दोबारा से मिल सकता है। अदरवाइज अगर 19,690 के नीचे ये कल खुलता है यूएस की वजह से या किसी भी रीजन से, और इसके नीचे सस्टेन कर देता है, देन वी आर इन फॉर अ वेरी रफ राइड आगे चलते हुए। थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो बहुत ही बोलते हैं ना क्लासिकल एक डबल टॉप एम पैटर्न जो है वो बैंक निफ्टी ने बनाया है। अब इसका नेकलाइन कहाँ पे आती है? इसकी नेकलाइन आती है अराउंड इस लेवल पे, दैट इज 44,400। तो 200-250 पॉइंट हम बैंक निफ्टी को और गिरने का रूम है, और वो अगर गिरता है तो मेरे को ज़्यादा चिंता भी नहीं होगी। चिंता मेरे को कब होगी? अगर बैंक निफ्टी 44,425 के नीचे डेली क्लोज दे देता है या 15 मिनट क्लोज दे देता है, देन एक बड़ा पैटर्न जो है वो ट्रिगर हो सकता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, और एक बड़ा बेरिश पैटर्न ट्रिगर हो सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ी नज़र रखेंगे। ऑन द अपसाइड में व्यू क्लियर है। अगर 44,725, 44,725 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करने लगता है तो हम लोगों को एक बार के लिए 45,000 तक की जगह जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इसके ऊपर हम लोगों को इन लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी है। निफ्टी फाइनेंस की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं तो निफ्टी फाइनेंस ने एक बहुत क्रिटिकल जोन के आसपास जो है वो सपोर्ट लिया है। अब बाकी दोनों इंडाइसेस को अगर आप देखो, कोई 50 मूविंग एवरेज पे है, कोई 21 मूविंग एवरेज पे है, निफ्टी फाइनेंस दोनों के नीचे है और दोनों के नीचे क्लोज दिया है। ठीक है, 2 दिन में निफ्टी फाइनेंस में लगभग 3% का फॉल आ गया, 600 पॉइंट का लगभग फॉल आ चुका है निफ्टी फाइनेंस के अंदर। तो अब जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पहला तो ये जहां पे ये खड़ा हुआ है ये सपोर्ट है उसका 19,800 का। थोड़ा लेवरेज अगर मैं दूंगा तो 19,760 का, 19,760 का लेवल आपको कल ध्यान में रखना है निफ्टी फाइनेंस को लेकर। अगर 19,760 के ऊपर है तो जितना खराब है अभी उतना ही है, उससे ज़्यादा फ्रेश सेल ऑफ नहीं आएगा। हो सकता है 2-4 दिन जो है बाजार यहाँ पे टाइम पास करे एंड देन ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हमें कोई ट्रेड दे। ठीक है, तो ये लेवल आपको थोड़ा वॉच आउट करके रखना है कल के लिए, 19,765 का
ये हमारा एक पिवट लेवल होगा, इसके ऊपर स्ट्रांग, इसके नीचे जो है वो वीक, इसके ऊपर अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है। अगली चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स ने भी एक काइंड ऑफ डबल टॉपिश पैटर्न जो है वो बनाया है और हाइज के आसपास बनाया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि डेफिनेटली सही जो है वो नहीं लग रहा है। बट हमें लेवल्स को फॉलो करना है। लेवल्स अभी अपने पास कौन सा है सेंसेक्स का, वो है अपना 65,090 का, 65,075 का। 15 में टाइम फ्रेम हम चलते हैं, 66,075 माफ कीजिएगा, 66,075 अगर जो है वो सेंसेक्स तोड़ देता है डाउनसाइड में कल के दिन, तो बड़ा क्रैकडाउन जो है वो सेंसेक्स में भी आ सकता है। उसके बाद 400-500 पॉइंट का फॉल फर्दर हमें सेंसेक्स में पोजिशनली देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स में स्ट्रेंथ कब आएगी, तो अगर 66,350, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 66,350 के ऊपर अगर सेंसेक्स सस्टेन करने लगता है, देन हमें एक ऊपर की साइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को 66,775 की जगह जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। हम अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, 0.89 का पुट कॉल रेशियो है नेक्स्ट वीक के लिए, ऑन द न्यूट्रल साइड है। बैंक निफ्टी 0.71 का पुट कॉल रेशियो है, थोड़ा हल्का है, बट याद रखिएगा नेक्स्ट वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक ही दिन होगी, तो इस चीज़ का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है पोजीशन के हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।